नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। मौजूदा समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंटेंट पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। पिछले कुछ समय से तो बायोपिक फिल्में सफलता की गारंटी बन गई है। अब देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर एक बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में सैम मानेकशॉ का रोल एक्टर विकी कौशल प्ले कर रहे हैं। इस लिहाज से फैंस की उम्मीदें भी दोगुना हो गई हैं। फिल्म का टीजर आउट हो गया है। इसका टाइटल सैम बहादुर रखा गया है। वही टीजर में सैम के रोल में विकी कौशल लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। लेकिन क्या आप उस सैम मानेकशॉ के बारे में जानते हैं जिन पर ये फिल्म बनी है? आइए एक नजर डालते हैं देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। वे कैरेक्टर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। उनकी पर्सनैलिटी से ही एक फौजी झलकता था। वे अपने काम को लेकर काफी ज्यादा परफेक्ट थे और उतने ही स्ट्रिक्ट भी थे। वर्ल्ड वॉर टू से उन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी और उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान 5 युद्ध में हिस्सा लिया। वो अपने मजबूत कंधों पर देश की जिम्मेदारियां लेकर चलते रहे। उन्होंने पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया जब पाकिस्तान से 1971 का वॉर हुआ था। उस दौरान सैम की इतनी तूती बोलती थी कि कोई भी उनकी बात नहीं काटता था। सैम मानेकशॉ वो नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। उन्हें साल 1971 वॉर में मिली जीत का सबसे बड़ा हीरो माना जाता था। एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में अर्देशिर काफसजी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े वाला किस्सा बताया था। काफसजी पाकिस्तान के एक नामी बिजनेसमैन थे। उन्होंने मानेकशॉ संग अपनी मुलाकात का किस्सा शेयर किया था जब उन्होंने मानेकशॉ को मोटरसाइकिल की याद दिलाई। दरअसल बंटवारे से पहले मानेकशॉ और 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे खान एक ही रेजिमेंट में थे। जब बंटवारा हुआ तो याह्या ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया जबकि मानेकशॉ यहीं रुक गए थे। उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना ने पाकिस्तान आने का ऑफर भी दिया था लेकिन मानेकशॉ ने इसे ठुकरा दिया था। जब खान पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्होंने सैम मानेकशॉ से उनकी मोटरसाइकिल मांग ली थी और कहा उन्हें इसके बदले 1,000 रुपए देंगे। लेकिन याह्या इस बात को भूल गए। बाद में जब भारत ने 1971 की जंग जीती तो कहा था कि याह्या ने मोटरसाइकिल के 1,000 रुपए नहीं दिए लेकिन इसकी कीमत उन्हें आधा पाकिस्तान देकर चुकानी पड़ी। वही फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल को हुआ था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का पूरा नाम हॉन्सिस प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था। उन्हें सैम मानेकशॉ और सैम बहादुर सैम द ब्रेज के नाम से भी जाना जाता है। मानेकशॉ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका सैन्य करियर 4 दशकों तक सक्रिय रहा। इस दौरान वे 5 युद्धों में भी शामिल हुए। मानेकशॉ द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के लिए म्यांमार में मिलिट्री ऑपरेशन की अगुवाई भी की थी। वे 1947 में बंटवारे के बाद कश्मीर के भारत में विलय के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी शामिल रहे। उन्हें 8 जून 1969 को सेना के 8वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। मानेकशॉ के नेतृत्व में ही 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी लेकिन सैम मानेकशॉ की वजह से ही पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से अलग हो चुका है। उस वक्त भारत सैन्य मोर्चे पर इतना ताकतवर नहीं था जितना आज है। इसके बावजूद मानेकशॉ के कुशल नेतृत्व, सूझबूझ, साहस और पराक्रम ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की जड़ें हिला दी थी। भारत के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने 13 सितंबर को पाकिस्तानी जनरल से स्पष्ट रूप से कहा था कि आप आत्मसमर्पण करें या हम आपको मिटा देंगे। उस समय भारतीय सेना पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ पाकिस्तान से भिड़ी हुई थी लेकिन भारत के निरंतर जमीनी और हवाई हमलों के कारण पाकिस्तानी सेना की स्थिति चरमरा गई। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण पाकिस्तानी सेना के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 84,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं 1971 का युद्ध 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक सिर्फ 12 दिनों तक चला था। इसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 के नाम से भी जाना जाता है। सैम मानेकशॉ ने ही बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए एक साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के इस्तेमाल पर जोर दिया था।
यही वजह है कि पाकिस्तान की पूरी सप्लाई लाइन ही कट गई थी। साल 1971 के युद्ध में पूरे अरब सागर पर भारतीय नौसेना का कब्जा था। बांग्लादेश के आसमान पर भारतीय वायुसेना पकड़ बनाए हुए बैठी थी और जमीन पर थल सेना मौजूद थी। 1971 के युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। वहीं 3 दिसंबर को पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आगरा समेत भारतीय वायुसेना के 11 एयरबेस पर एक साथ हमला किया था। इसे युद्ध की शुरुआत मानी गई और अगले ही दिन भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। बांग्लादेश में भारतीय सेना ने 12 दिसंबर 1971 को हार्डिंग, खेतलाल और मधुपुर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राजधानी ढाका पर कब्जे के लिए नरसिंगड़ी को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जब जमीन पर भारतीय सेना ऑपरेशन में व्यस्त थी, तभी भारतीय वायुसेना ने ढाका के गवर्नर हाउस और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना ने भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर पूरा प्रभुत्व जमा लिया। भारत का INS विक्रांत बंगाल की खाड़ी में युद्ध की कमान संभाले हुए थे। साल 1971 के युद्ध का बीज भारत पाकिस्तान की आजादी के समय ही बो दिया गया था। बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव शुरू हो गया था। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेता पूर्वी पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं देते थे। सरकारी कामकाज की भाषा बांग्ला से हटाकर उर्दू करने का भी हुक्म जारी किया था। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1970 के आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के आवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो और याह्या खान ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और पाकिस्तानियों का बहिष्कार किए जाने लगा। इससे पहले पाकिस्तान में हिंसा बढ़ गई और पाकिस्तान ने मार्शल लॉ लगाते हुए ऑपरेशन सर्च लाइट को शुरू कर दिया। इस दौरान व्यापक पैमाने पर बांग्लादेशियों का नरसंहार किया गया था। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ वन टुडे।